हेलो एवरीवन, मैं सब दर्शना बिसेन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट। मैं आज आपको कुछ ग्राफ्स के बारे में सिखाने वाली हूँ जो रिलेटेड हो गया आइडियल गैस इक्वेशन से, दैट इज़ पी इक्वल टू एन आर टी। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में उसको सिखा सकूँ, तो मैं ग्राफ्स आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, गिवन है पीवी ग्राफ, दैट इज़ T1, T2 एंड T3। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज़ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि यहाँ पे वाई एक्सिस कॉन्स्टेंट हो जाएगी। वाई एक्सिस पे यहाँ पे गिवन है प्रेशर, तो इस लाइन के अलॉन्ग यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो इसके अपन करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम के कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा V1, V2, V3। और हमको आइडियल गैस इक्वेशन पता है PV इक्वल टू NRT। यहाँ हमने वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट ले लिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं NR/P इक्वल टू T। एन होता है नंबर ऑफ मोल, आर इज कॉन्स्टेंट एंड यहाँ पे हम मान के चल रहे कि प्रेशर इस लाइन के अलॉन्ग कॉन्स्टेंट है, तो ये टोटल टर्म हो जाएगी कॉन्स्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटू T। प्रोपोर्शनलिटी लगाना है, कॉन्स्टेंट हटाना है, तो हम इसको लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और जैसे हमें पता है, जैसे हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे अपना क्वान्टिटी बड़ी होती जाती है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते कि V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। ये हो गया और हम रिलेशन निकाल चुके इसके अलॉन्ग कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तो हम यहाँ से सीधा लिख सकते कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। दैट्स सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन हम सिंपल ऐसे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और इसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, वो गिवन है कि ग्राफ बिटवीन वी एंड टी। ये हो गया P1, P2 एंड P3। अब इसमें पूछेगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3। तो इसमें भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस मतलब वाई कंपोनेंट कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू NRT प्रेशर हो जाएगा NR/V × T। ये होल टर्म होगी कांस्टेंट, दैट इज मोल नंबर ऑफ मोल कॉन्स्टेंट ही है, आर कॉन्स्टेंट है और वॉल्यूम यहाँ पर कॉन्स्टेंट मान के चल रहे, तो ये होल टर्म होगी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इक्वल टू K इंटू T, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और जैसे हमें पता है यहाँ हम टेम्परेचर लिख लेंगे, दैट इज T1, T2 एंड T3। और हमें पता है कि हम जैसे एक्स एक्सिस से दूर जाएंगे वैसे हमारी वैल्यू बढ़ते जाएगी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। हमने रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ से हम इधर भी डायरेक्ट लिख सकते कि यहाँ पे P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी कुछ ग्राफ एडियाबेटिक के और आइसोथर्मल के, जिसमें भी आता है ग्राफ और अपने को फाइंड करना पड़ता है इसमें से कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक का होगा और कौन सा आइसोथर्मल का होगा, तो मैं वो बताती। तो यहाँ लिख लेते हैं
यहाँ लिख लिया आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। मैं ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करूँगी। सो आइसोथर्मल का मतलब हो गया कि टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब डेल्टा टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एडियाबेटिक का मतलब होता है देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू ज़ीरो। और जैसे हमें पता है कि प्रोसेस इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और प्रोसेस इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक होती है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाता है डी पी बाय डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ पी बाय वी, और इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसमें भी आ जाएगा डी पी बाय डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ गामा टाइम पी बाय वी। तो अब ग्राफ देखते हैं इनके, दैट इज पी एंड वी। तो ग्राफ बनेगा कुछ लाइक ऐसा। तो डी पी बाई डी वी नथिंग बट इंडिकेट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। सो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल हो जाएगा माइनस पी बाई वी। इसी तरीके से हम एडियाबेटिक का बना लेंगे, दैट इज पी बाई वी। इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बनेगा। सो ये भी इसका स्लोप ही इंडिकेट कर रहा है डी पी बाई डी वी, तो इसका स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इक्वल टू माइनस ऑफ गामा टाइम पी बाई वी। तो यहाँ से हम रिलेशन लिख सकते कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इक्वल टू गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो यहाँ से हमको साफ दिख रहा है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल। स्लोप ज़्यादा मतलब ग्राफ उतना स्टीप होगा, और इसमें ये जो निगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि ग्राफ फॉल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसमें भी निगेटिव साइन शो करता है कि ग्राफ फॉल कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक गामा टाइम्स होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, मतलब एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर हमको क्वेश्चन आ गया तो हम उसमें स्लोप देख के इनके ग्राफ बता सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ दिया हुआ है अपने को पी वी ग्राफ, और इसमें दो कर्व दिए, कर्व नंबर 1 कर्व नंबर 2। अब इसमें हमको पूछ लिया कि इसमें से कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का होगा और कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक का होगा। तो हम इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस इसका स्लोप देखना है। जो एडियाबेटिक का स्लोप होगा वो स्टीपली मतलब रैपिडली डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है, मतलब गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल है। इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका स्लोप रैपिडली डिक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस, और इसका स्लोप भी एज कम्पेयर टू दिस ज़्यादा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक एंड दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल। तो 1 हो जाएगा आइसोथर्मल, सेकेंड ग्राफ हो जाएगा एडियाबेटिक का। हम स्लोप देख के ही बता सकते हैं। अब इसी में एक और ग्राफ पता है जो पूछता है मोनो एटोमिक डायटोमिक, वो बेस होता है गामा पे, तो मैं वो बता दूँ। जैसे कि हमको पता है गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो हमको इसका फॉर्मूला पता है गामा इक्वल टू 1+2/F। यहाँ पे F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट।
अब हमको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस होता है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटॉमिक होता है 5, और मान के चलते हैं पॉलीएटॉमिक का होता है, वेरी कर सकता है पॉलीएटॉमिक का, इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम गामा निकाल सकते हैं, गामा ऑफ मोनोएटॉमिक हो जाएगा 1+2/3, दैट इज इक्वल टू 5/3, इक्वल टू 1.67। गामा ऑफ डायटॉमिक हो जाएगा 1+2/5, 7/5, दैट इज इक्वल टू 1.4। और गामा ऑफ पॉलीएटॉमिक का हो जाएगा 1+2/6, दैट इज 8/6, इक्वल टू 1.33। अब इसमें हमको ग्राफ पूछता है, सपोज वन क्वेश्चन ग्राफ दिया है वी और पी का, इसमें दो ग्राफ दिए, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2। अब इसमें पूछता है, गिवन रहता है इसमें कि बोथ ग्राफ ऑफ बोथ ग्राफ जो है वो एडियाबेटिक की है, और इसमें फिर ऑप्शन रहेंगे, फर्स्ट ये होगा H2O2 का, सेकंड होगा हीलियम O2 का, हमको बताना है कि इसमें से किसका ग्राफ होगा। तो जैसा क्वेश्चन में बताया कि दोनों प्रोसेस एडियाबेटिक है, और हम इधर रिलेशन यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से कि गामा ऑफ मोनोएटॉमिक जो है जो इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डायटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा ऑफ पॉलीएटॉमिक, यही रिलेशन इधर यूज करेंगे अपन। तो इसका स्लोप एज कम्पेयर टू दिस कम है, ये ग्राफ स्टीपली डिक्रीज हो रहा है, ये इसका स्लोप इसके कंपेयर में कम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। और हमें पता है कि एडियाबेटिक का स्लोप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा होता है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। तो हम यहाँ से लिख यहाँ से हम देख के बोल सकते कि गामा ऑफ सेकेंड गामा ऑफ 2 इज ग्रेटर देन गामा ऑफ 1, और ये रिलेशन हम निकाल चुके कि गामा ऑफ मोनोएटॉमिक ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डायटॉमिक के। तो ये बोथ गैसेस तो डायटॉमिक नहीं हो सकती, बोथ मोनोएटॉमिक भी नहीं हो सकती, अब इन दोनों में से अपने को फाइंड करना है। तो गामा ऑफ 2 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गामा ऑफ 1, तो हम यहाँ से लिख सकते कि गामा ये जो सेकेंड प्रोसेस होगी इसका गामा ज़्यादा है, मतलब इसको हम बोल सकते कि ये मोनोएटॉमिक होगा, और ये इसका स्लोप इससे कम है तो इसको बोल सकते कि डायटॉमिक का होगा। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते कि फर्स्ट वाला जो है वो डायटॉमिक का होगा, और सेकेंड वाला जो है ये मोनोएटॉमिक का होगा। तो यहाँ से हम ऐसे भी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक यू।